देवास के बागली में सावन माह में विगत 27 वर्षों से जिले की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। वह यात्रा बागली विकास खंड के धारजी घाट से मां नर्मदा का जल भरकर प्रारंभ होती है, जो कि 150 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर उज्जैन महाकाल में इसका समापन किया जाता है। इस वर्ष यात्रा में 110 गांव से 1200 से भी अधिक यात्री शामिलित हुए। यात्रा बागली एवं चापड़ा पहुंची, जहां पर नगर भ्रमण के दौरान सभी नगर वासियों द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसी दौरान नगर बागली एवं गुनेरा में भी यात्रा का नगर वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह चाय, दूध और सलपार वितरण किया गया। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों द्वारा बागली को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया गया। विगत कई वर्षों से बद्रीलाल पिता रामचंद्र पाटीदार निवासी इकलेरा की ओर से चापड़ा में सभी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष इस कांवड़ यात्रा में लगभग 1200-1300 लोग शामिल है, श्रद्धालु शामिल है, लगभग 110 गाँव के लोग इसमें शामिल है। और हमारी कांवड़ यात्रा का उद्देश्य है मालवा अंचल हमेशा हरा भरा रहे, कोरोना जैसी महामारी नहीं आए, किसी चीज़ की इस तरह की बीमारी की पुनरावृत्ति न हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण की रक्षा, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कांवड़ यात्रा मैया नर्मदा के धाराजी घाट से बाबा महाकालेश्वर उज्जैन के लिए जा रही है। हम जो है 8 अगस्त को प्रातः वहाँ से हमने पूजन अर्चन करके यात्रा प्रारंभ की। 14 अगस्त को हम बाबा की नगरी में पहुँचेंगे और 15 अगस्त को सुबह प्रातः 7 बजे बाबा का जलाभिषेक करेंगे। बागली तहसील से रवि पाटीदार की रिपोर्ट।